दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष केएस चौहान ने बयान जारी कर कहा कि चार वर्ष पूर्व दुर्ग की जनता ने जब अपना प्रतिनिधि चुना था तब से ऐसा लगने लगा था कि दुर्ग शहर की तस्वीर भविष्य में बदलने वाली है, किंतु समय बीतने के साथ ही लोगों की उम्मीदें भी धरी की धरी रह गई। वर्तमान परिदृश्य वास्तविकता बयां कर रहे हैं और दुर्ग की जनता का विश्वास टूट गया है। अब शहर के निर्वाचित नेताओं की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। हमारा दुर्ग सिर्फ घोषणाओं का शहर बन के रह गया है, धरातल में इसमें कुछ नहीं हो रहा है। कुछ समय पहले चौपाटी के लिए, जीर्णोद्धार के लिए, उसका रख रखाव के लिए एक फंड पास हुआ था नगर निगम से, लेकिन 1-2 लाख रुपए लगा के उसको फिर से रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि वो हमारी सुश्री सरोज पांडे जी ने का काम था। अगर वो ठीक ठाक रहेगा तो कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ न मिल जाए, सिर्फ इसलिए। आप बोलते हैं कि हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो ठगड़ा बांध है, तो ठगड़ा बांध में भी 8-9 करोड़ रुपए आपने लगा दिया, लेकिन उसमें ऐसा दिखता नहीं है कि 8-9 करोड़ रुपए लगा होगा। और उसके बाद एक प्राइवेट संस्था को दे दिया आपने 8-10 लाख रुपए सालाना 20 साल के लिए। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, वो सरकारी प्रॉपर्टी थी, सर्व के हित के लिए प्रॉपर्टी थी, जिसमें सबको हित समाहित था और उसका लाभ सबको मिलना चाहिए था, लेकिन एक प्राइवेट संस्थान को मिल रहा है। और हमारे को बताने की जरूरत नहीं है कि वो प्राइवेट संस्थान के पीछे कौन लोग हैं। हमारा सिर्फ ये बोलना है कि आप फंड ला नहीं पा रहे हैं अपनी खुद की राज्य सरकार से, कांग्रेस की सरकार है जबकि, आप खुद ला नहीं पा रहे हैं और उसको यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। दुर्ग की जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया है, कुछ सोच समझ के बनाया है, उसकी उसकी उम्मीदों पे आप खड़े नहीं उतर रहे हैं। शहर को में अच्छा विकास कर पा रहे हैं, ना ही फंड ला पा रहे हैं, ना ही अच्छे से जीर्णोद्धार कर पा रहे हैं किसी चीज को। 25 करोड़ रुपए आपने फंड लाया, 60 करोड़ रुपए उसमें भिलाई को मिला है, और उसमें भी 25 करोड़ में 11 करोड़ रुपए तो शिवनाथ नदी के प्रोजेक्ट में लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वार्डों के लिए आपने वार्डों के विकास के लिए कोई पैसा नहीं लाया, बाकी का पैसा कर्मचारियों की वेतन वगैरह में चले जाएगा और वेतन भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। आपकी इसको अक्षमताएं बोले या असफलता।